नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ बच्चों, एसएसटी की आंसर की आ चुकी है। आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने है आंसर की, सभी क्वेश्चन की है, क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक के लिए। तो जल्दी से आप आंसर को मैच कर लीजिए। पहले का आंसर डी है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवे का बी, छठे का ए, सातवें का सी, आठवें का ए, नौवें का सी, दसवें का सी, ग्यारहवें का ए, बारहवें का बी, तेरहवें क्वेश्चन का ए है, 14 का डी आंसर है, 15 का बी है, दोनों ही मीडियम के लिए है ये, इंग्लिश हिंदी, 16 का डी, 17 का बी, 18 का सी, 19 का डी आंसर ऑप्शन है, और 20 का ए, 21 का बी, 22 का डी, 23 का डी एंड 24 का डी। यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि देखिए पहला पार्ट 24 क्वेश्चन थे जिसमें से हमें करने थे 20 क्वेश्चन। अब आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि अगर आपने कोई भी 20 क्वेश्चन कर रखे हैं और 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, तब तो आपको 20 में से मिलेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने 1 से 24 तक सारे क्वेश्चन कर रखे हैं तो उनके ओनली 20 क्वेश्चन तक ही चेकिंग होगी, ठीक है। ये हो सकता है कि 21, 22, 23, 24 उनका ठीक हो, लेकिन फिर भी उनको चेक नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपने कैसे क्वेश्चन पेपर किया है। तो और ये अगले पेपर के लिए भी यही है, और ये बिल्कुल रूल स्ट्रिक्ट है बच्चों, इसको आपको ध्यान से करना है। फिर आते हैं हम 25वें पे, 24 पे पार्टीशन हो गया ना एक पार्ट, 25 पे आते हैं, 25 से आपका 46 तक है, ठीक है। 25 का ए है, 26 का डी, 27 ए, 28 डी, 29 डी, 30 बी, 31 ए, 32 डी, 33 ए, 34 का ए है, 35 का ए, 36 ए, देख रहे हैं आप ये, यहाँ पर लगातार ए ए ए ऑप्शन थे। तो ऐसा नहीं है कि जब अगर कहेंगे सब सी 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 ऑप्शन लगा के आ जाते हैं तो वही सही है, तो कई सारे आपको इसमें मल्टीपल भी दिख रहे होंगे। 37 का डी है, 38 का ए, 39 का है, और 40 का ए और सी दोनों हो सकता है, ए एंड सी, ठीक है। तो ये दोनों ही जिन्होंने लगाए होंगे दोनों के सही आंसर है, तो इस पे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसके दो सही आंसर। 41 का है, 42 का डी ए, 43 का ए, इन तीनों के देखिए ए आंसर है, 44 सी, 45 सी और 46 ए। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए एक पड़ाव हमारा यहाँ आया था, एक पड़ाव आया था 46 पे। अब यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन करने थे, ये 20 है ना, 25 से लेकर 46 तक 18 आपको इसमें क्वेश्चन करने थे। अब देखिए आप कितने क्वेश्चन है करने, आपको 18 थे, इसका मतलब कि आपको 42वें क्वेश्चन पे रुकना था यहाँ पे। यानी अगर आपने 25 से 46 तक सारे क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट किए होंगे तो आपके सिर्फ 42 तक ही चेक होंगे, क्लियर है। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, 22 क्वेश्चन ये होंगे, 18 और 4 22 ही होते हैं, तो 18 क्वेश्चन चेक होंगे। हाँ, जिन्होंने बीच बीच में छोड़ के किए हैं तो उनके पूरे 18, यानी काउंटिंग 25 से शुरू होगी और 18 तक, 18 तक आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, और वो भी बॉक्स का ऑप्शन देखा जा रहा है, बॉक्स का ऑप्शन ही देखा जाएगा। आपने अगर गलती से मान लीजिए सी पे सर्कल कर दिया और यहाँ बी लिख दिया और आंसर सी था तो आपका ये गलत हो जाएगा। हाँ, आंसर अगर बी है तो फिर आपका ठीक होगा ये। अब आते हैं 47 से लेकर 58 तक, अगला पड़ाव है, तीसरा पड़ाव है, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन। अब ये है कितने, 12 है, 12 में से आपको 10 करने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और ये पूरे 2 क्वेश्चन करने हैं 2 में से। तो 47 का ए, 48 का ए, 49 का सी, 50 का डी, 51 बी, 52 ए, 53 ए, 54 का सी है, मैं हिंदी में बोल रही थी, 55 बी, 56 सी, 57 ए, 58 डी, 59 का सी और 60 का ए। तो बच्चों आपने देखा कि आपको 60 में से केवल 50 क्वेश्चन ही करने थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन ही करने थे और उन्हीं के मार्क्स आपको मिलेंगे, उन्हीं में से ही मिलेंगे। अगर 17 क्वेश्चन ठीक है आपके तो आप पासिंग मार्क्स बनते हैं, और उसके बाद तो अगर जितने ज्यादा ठीक है उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको आंसर की मिल गई होगी, आपने हमारे चैनल पे देख लिया होगा। अब आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा, रूल्स को ध्यान में रखिए कि रूल्स क्या थे, मैंने बीच बीच में बता दिया है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी ऐसे हम और बाकियों की भी सब्जेक्ट की आंसर की डाल देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
कि क्या आपके कितने मार्क्स आए, मेन बात है आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ट्रूली ट्रूली बताइएगा। वैसे कोई उसमें परेशानी वाली बात भी नहीं है, छुपा भी सकते हैं, जो शेयर करना चाहें वो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर शेयर करना है तो आप करिए, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है और ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर को मैच कर पाए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।